नमस्कार। यूं तो ये काफी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शुक्र है देर हुई पर आखिरकार बात हो गई। बात हो रही है नागरिकता संशोधन अधिनियम की, यानी CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। ये कानून बना 2019 में, लागू हो रहा है 2024 में। 5 साल का डिले ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब चूंकि लागू हो रहा है तो इस कानून का को किस तरह से समझें, इस कानून का विरोध करें या ना करें, इसके लिए वीडियो बनाया गया है। कॉपीराइट फ्री वीडियो है, इसका आप पूरा के पूरा या किसी अंश का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब या कहीं भी लगा सकते हैं। मैं इस पर कोई राइट्स क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पर कोई रेवेन्यू नहीं ले रहा हूँ। तो ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ तारीखों के जरिए इसको समझा जाए। और वो तारीखें क्या हैं? एक तारीख 1906, दूसरा तारीख 1947, तीसरी तारीख 1971, चौथी तारीख 2019 और पांचवी तारीख 2024। इन तारीखों के जरिए, 5 तारीखों के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसका विरोध करना चाहिए या इसका समर्थन करना चाहिए। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1906 में। ब्रिटिश भारत है, जिसमें कि अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, पूरा का पूरा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, आज की जो बाउंड्रीज हैं, ये मिलाकर ब्रिटिश इंडिया बना था। तो इसको जब ये आहट आई कि ब्रिटिश लोगों के बगैर हम इस देश को चलाएंगे या थोड़ी बहुत स्वायत्तता आएगी, अपना भी कुछ चलेगा, तो प्रकारांतर में पहले कांग्रेस और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो 1906 में ढाका शहर में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और वो धीरे धीरे इस डिमांड की ओर आगे बढ़ता है कि मुसलमानों के साथ इस देश में न्याय नहीं हो पाएगा और हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। और इस राष्ट्र का आधार क्या होगा? इस राष्ट्र का आधार होगा इस्लाम और व्यक्तियों का मुसलमान होना। तो इस आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, और आप जानते हैं, जैसा कि उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, कि किस तरह से विभाजन की मांग होती है। अंग्रेजों के सामने सेपरेट इलेक्ट्रेट मुसलमानों के लिए मांगा जाता है, अंग्रेज उसको देते भी हैं, अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम लीग की सरकारें बनती हैं, और उसके बाद वो अलग राष्ट्र की मांग वो करने लगता है। और इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर दंगे होते हैं, और भारत के तमाम राजनीतिक दल और ब्रिटिश सरकार इस नतीजे पहुंचती है कि ये विभाजन कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर बात नहीं बनती। ये साथ साथ दो समुदाय नहीं रह सकते हैं, ये कॉम्पेटिबल नहीं है, और इनको हमको अलग अलग कर देना चाहिए। तो ये विभाजन यहाँ पर इसकी बात शुरू होती है। इस ये करते करते आपको 1947 आ जाता है, विभाजन का दिन करीब आ जाता है, विभाजन होना है। 14 और 15 अगस्त को भारत दो हिस्सों में बंटना है, लेकिन कैसे बंटना है इसके लिए तो नक्शे पर लाइनें खींची जाएंगी। तो ये काम जो है सिरिल रेडक्लिफ साहब को सौंपा जाता है, जो लॉयर हैं और ब्रिटेन के काफ़ी इलीट परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, उनको ये काम दिया जाता है। और इस काम को करने के लिए उनके पास मुश्किल से कुछ हफ्ते हैं, भारत जैसे बड़े देश में, कि कहाँ मुसलमान है, कहाँ हिंदू है, कौन कहाँ बहुल है, कौन कहाँ कम है। ये काम उनको 5 हफ्ते में करना था, तो उन्होंने फटाफट दोनों पक्ष के दो दो लोग बुलाए, और उन्होंने ये एक लाइनें खींच दी। उन्होंने एक लाइन उन्होंने पश्चिम की तरफ खींच दी, एक लाइन पूर्व की तरफ खींच दी, और कहा कि हमने काम कर दिया। उन्होंने अपने सारे दस्तावेज जला डाले और उसके बाद वो चले गए, तो कोई एविडेंस भी नहीं है कि क्या हुआ। फाइनली खैर ये हो गया, और इसके बाद आबादी का बहुत बड़े पैमाने पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना शुरू हुआ। इस बीच में बहुत बड़े दंगे हुए और करीब 10 लाख लोग इसमें तबाह हो गए, मर गए, मारे गए, और इसके बाद करोड़ों लोग इधर से उधर गए और आबादी का बंटवारा हो गया। लेकिन आबादी का बंटवारा पूरी तरह से नहीं हुआ जो एक तरह से मूल परिकल्पना थी विभाजन की। काफ़ी हिंदू पाकिस्तान, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान है, उसमें रह गए, और काफ़ी मुसलमान यहाँ रह गए भारत में। भारत में बड़ी समस्या इसलिए नहीं थी क्योंकि भारत ने यह तय किया कि आज़ादी के बाद हम एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेंगे, तो मुसलमानों को यहाँ सारे राइट्स दिए गए जो हिंदुओं के, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए, जैसे कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अपने मन से चला सकते हैं, और सरकार से मदद भी ले सकते हैं, अपने ढंग से रिजर्वेशन के कानून लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अपना सिविल कोड दिया गया कि वो अपने जो पारिवारिक मामले हैं वो अपने ढंग से संचालित करें, अपने धर्म के हिसाब से संचालित करें, ये कोई कॉमन लॉ नहीं बनेगा।
इस तरह के बहुत सारे राइट्स और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमीशन और वगैरह कई सारी चीजें माइनॉरिटी कमीशन वगैरह बनाए गया, तो ये एक उनको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए। लेकिन ये स्थिति पाकिस्तान की नहीं थी वहाँ, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो पूर्वी और पश्चिम दो हिस्से में था, एक बांग्लादेश बना और पाकिस्तान बना, दोनों इस्लामिक राष्ट्र हैं, और इसके अलावा अफगानिस्तान जो पड़ोस का मुल्क है वो भी इस्लामिक मुल्क है। तो वहाँ पर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न शुरू हुए, और चूंकि धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हो रहा है तो ये हमको समझना होगा कि इस्लामिक राष्ट्र में धर्म के आधार पर उत्पीड़न मुसलमानों का नहीं हो सकता है। इस वजह से जो कानून बना CAA में, इस पर काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं कि इसमें जो मुसलमान आएंगे उनका क्या होगा। मुसलमान आएंगे उनकी नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं है, आप जानते हैं कि अदनान सामी को नागरिकता दी गई है और ऐसे काफ़ी लोगों को दी गई है, नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ये कानून एक विशेष कानून है जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग हैं उनको नागरिकता देनी है। तो इसलिए ये कानून किन पर लागू है? ये कानून हिंदूज पर लागू है, ये कानून सिख पर लागू है, ये कानून बुद्धिस्ट पर लागू है, जैन पर लागू है, पारसी पर लागू है, क्रिश्चियंस पर लागू है, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र में धार्मिक उत्पीड़न का प्रश्न है। तो ये जो लोग हैं, ये जब भारत आना शुरू हुए बहुत बड़ी संख्या में, तो ये क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद ये शुरू हो गया था, आप जानते हैं जोगेंद्रनाथ मंडल की कहानी, वो पूर्वी पाकिस्तान के बहुत प्रमुख नेता थे, डिप्रेस्ड क्लासेस के, शेड्यूल कास्ट के, और उन्होंने सोचा कि दलितों के लिए नर्क तो सब जगह है, क्या इधर और क्या उधर, तो हम यहीं पर रह लेते हैं, कोई फर्क नहीं होगा हमारे जीवन में, और हम उस समय मुसलमानों का उनके साथ कोई बुरा व्यवहार भी नहीं था, तो उसको समझ नहीं पाए। लेकिन जब इस्लामिक राष्ट्र बन गया पाकिस्तान, तो उसके बाद उत्पीड़न शुरू हुआ। 2 साल के अंदर में उनको समझ में आ गया कि हमसे गलती हुई, एक ऐतिहासिक गलती हुई जिसकी कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ी, और जोगेंद्रनाथ मंडल खुद भी 2 साल बाद वहां से कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आ गए, कलकत्ता आ गए, और लोगों का आना फिर शुरू हो गया, मतलब एक क्रम शुरू हो गया, लोग आ रहे हैं। ये सिलसिला तेज हो जाता है जब बांग्लादेश ने भाषा के आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग शुरू की। धर्म, आप देखिए, धर्म जोड़ नहीं पाया उनको, भाषा के आधार पर एक अलग राष्ट्र की मांग शुरू हुई, और वो मांग जैसी तेज हुई तो उत्पीड़न शुरू हो गया बहुत बड़े पैमाने पर। पश्चिम पाकिस्तान के सेना ने उत्पीड़न शुरू किया, उसमें बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, संपत्ति लूटी गई, और इसमें से इसका सबसे ज्यादा दंश झेला किन्होंने? हिंदुओं ने, जिसमें मुख्य रूप से दलित थे। तो ये बड़ी संख्या में 71 के आसपास लोग आने लगे, जिसको कि आप कहते हैं कि वो एक 71 रिफ्यूजी कहते हैं, वो आए। तो उस समय की भारत सरकार ने, और खास करके बंगाल सरकार, बहुत निष्ठुर साबित हुई उनको लेकर, बहुत ही बुरा व्यवहार रहा उनको, ट्रांजिट कैंप में डाला गया, उनको दंडकारण्य से लेकर तराई में जाकर फेंक दिया गया, अंडमान में फेंक दिया गया, जाकर एक तरह से उनको बसाया नहीं गया। तो ये सवाल एक पेंडिंग रह गया कि जो इस तरह से लोग आएंगे इनका क्या होगा। भारत सरकार ने उस समय तय किया कि इनको सिटीजनशिप नहीं देनी है, इनको ट्रांजिट कैंप में रखना है। ट्रांजिट मतलब आप समझते हैं, यात्रा करते समय आदमी का जो पड़ाव होता है उसको ट्रांजिट कहते हैं। तो ट्रांजिट में है, ये आए हैं, इनको वापस धकेल देना है। तो इनका सिटीजनशिप सेटल नहीं किया गया, खास करके दलित थे तो उनकी आवाज़ें भी कम थी और कोई सुनने वाला नहीं था इनके लिए। तो ये मामला पेंडिंग रह गया, एक तरह से स्थगित रह गया। तो ये स्थगित मामला जब चलता रहा, और एक समय के बाद हुआ कि अब इसका क्या करें, तो जो BJP है उसके घोषणा पत्र में ये इस मामला था कि हम इनको नागरिकता देंगे। तो पहले कार्यकाल में इनके पास तो ये बात वो शुरू हो गई कि देना है। तो बाद के दिनों में होते होते 2019 में एक कानून बन गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट क्या है? ये सिटीजनशिप देने का कानून है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, इसमें किसी से कानून छीन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। और कानून क्या है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आएंगे, 31 जनवरी 2014 से पहले जो आ चुके हैं उनको इलीगल नहीं माना जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं माना जाएगा, और उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये है कानून। तो ये कानून बन गया, संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति से इसका अनुमोदन हो गया, और फिर ये कानून जो है गजट में प्रकाशित हो गया, कानून लागू होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि इससे पहले कितने तरह का विरोध, कितने तरह की अफवाहें, और सरकार से भी इस मामले में गलती हुई कि उन्होंने NRC के साथ इसको मिलाकर लागू करने की कोशिश की, जो कि इस मामले को उसने और पेचीदा बना दिया जबकि उसको कोई जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर बहुत पेचीदा मामला बन गया। उस विरोध की वजह से भारत सरकार ने इसको उस समय लागू करना उचित नहीं समझा। लेकिन वो डिमांड तो थी, वो डिमांड बंगाल में और तमाम जगहों पर जो रिफ्यूजीज हैं उनकी डिमांड आती रही। फाइनली 2024 में ये कानून लागू हो रहा है,
और फरवरी महीने में, और ये कानून अब जब लागू हो रहा है तो मुझे लगता है कि किसी के लिए इसको इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं है। ये धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि ये धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को मदद देने का कानून है। तो जाहिर है कि इस्लामिक देश में मुसलमानों पर धार्मिक उत्पीड़न नहीं होगा, उनके लिए ये कानून नहीं है, लेकिन इसका आधार मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है। किसी मुसलमान या किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति की नागरिकता ले लेने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो इसको कायदे से, चूंकि सबसे वंचित लोगों के, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे अभागे लोगों को नागरिकता देने का कानून है, इसलिए मुझे लगता है कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए, कोई वजह नहीं है। आप इसको, कानून को पढ़ें, कानून को समझें, उसकी पृष्ठभूमि को समझें, और मुझे लगता है कि सरकार का विरोध और सरकार का समर्थन एक दूसरी चीज है, लेकिन ये ऐसा विषय है जो कि मानवता का प्रश्न है, ह्यूमैनिटी का प्रश्न है और न्याय का प्रश्न है। इस पर आप सब लोगों को इस कानून का समर्थन करना चाहिए, इस कानून का लागू होना चाहिए, और इन सारे लोगों को, भारतीय इतिहास के सबसे अभागे लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी धार्मिक उत्पीड़न के कारण जो आस पड़ोस से आ रहे हैं, तो आखिर क्या करना है उनका? आप उनको हिंद महासागर में नहीं फेंक दे सकते हैं, उनको नागरिकता तो देनी ही पड़ेगी। क्या करेंगे आप उनका, उतनी बड़ी आबादी का? तो अल्टीमेटली, और भारत कोई स्वर्ग नहीं है, मतलब धरती का मतलब, या अमेरिका या जर्मनी या डेनमार्क और स्वीडन नहीं है कि सारी दुनिया के लोग वहां जाना चाहते हैं। ऐसे ही ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक देश है। तो ये कोई यहाँ शौक से नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर करोड़ों रुपये और डॉलर कमाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बहुत मजबूरी में ही आ रहा है कोई यहाँ पर। तो जो आ रहा है उनको नागरिकता दी जाए। ये भारत के अपने लोग हैं, भारतीय ब्रिटिश इंडिया का जो पूरी बाउंड्री है उसी के अंदर के लोग हैं, तो इनको नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए। कृपया इस पर विचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि ये वीडियो कॉपीराइट फ्री है, आप इसका जैसा उचित समझें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस पर कोई रेवेन्यू या कॉपीराइट का मेरा इस पर क्लेम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।